गाइस अभी बजे हैं रात की 3 और मैंने सोचा अभी मुझे वक्त मिला क्यों ना अभी से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और अभी मैंने मेहंदी लगाई है और अभी 3 बज रहे हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत एटिक देखा मेरा। मुबारक 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 मुबारक। क्या करूँ आज, ये देखो ना आवाज़ पता है क्यों बैठ गई है, क्योंकि ना जो मेहंदी है ना, अभी मौसम ठंडा हो गया ना तो ठंडा ठंडा लगता है, ठंडी ठंडी मतलब ठंड हो गया होगा हाथों में, इसलिए मुझे मेरा आज गला बैठा है पता है, जब मैं सो के उठी, क्योंकि जब मैंने एक हाथ पे लगाई थी ना तो ये गीली थी, ये मैंने फिर भी पहले लगवा ली थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था अपनी सोसाइटी में, मेहंदी आर्टिस्ट को बिठवाया था इसलिए। और गाइस हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और मैं अब थोड़ा सा रेडी होके मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस आई होप आप लोगों की तैयारी करवा चौथ की अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबका करवा चौथ अच्छे से बीते। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैंने कुछ भी अपने स्किन पे अभी नहीं लगा रखा। मैं सिर्फ सो के उठी थी और अभी सागर ऑफिस गया है, तो जो भी मुझे उसको, वो भी खैर फास्ट रखता है तो उसको कुछ देना वेना तो नहीं था। कैमरा ना मुझसे ना हो नहीं रहा ना मैनेज। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। मैंने करवा चौथ की कोई तैयारी नहीं कर रखी है। आई थिंक सबने अपना कुछ ना कुछ कपड़े क्या पहने नहीं पहने, हाँ बट मैंने एक कपड़ा मतलब एक मैंने अपने लिए कुछ शॉर्ट लिस्ट करके रखा था, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने ना ऐसा कुछ प्रिपेयर किया था, मतलब ये ना रेडी टू वेयर साड़ी है बट ये कंप्लीट रेडी टू वेयर नहीं है गाइस, क्योंकि उसमें पता है क्या मेंशन था रेडी टू वेयर में, मुझे जो मैंने एक बार पहले भी ले रखी है, उसमें क्या होता है ना सिर्फ आपको जिप करना पड़ता है और आप साड़ी पहन सकते हो। यार देखो साड़ी नो डाउट ये बहुत ही प्रिटी है। इसका मैं आपको ब्लाउज पूरा दिखाऊं एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन टन टन। बट मैं अपसेट हूँ यार अभी, ये देखो यार ये कितना प्यारा सा था, प्रिटी सा था। और इसकी ना एक पिक मैं लगा भी दूंगी फॉर द रेफरेंस कि ये कैसी साड़ी थी। बट यार इसके अंदर एक इशू है, तो ये मुझे लूज आ रहा है, ऊपर से जब मैं इसको टकिंग करके प्रॉपर साड़ी के तरीके से पहन रही हूँ ना तो वो फिट नहीं बैठ रहा यार, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट गाइज अभी मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई, वैसे यार मैं बहुत अपसेट हो गई थी यार। अब मैं ऑन द स्पॉट, मतलब अभी 12 बजने वाले हैं, इसके बाद मुझे पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयारी करनी है और मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा। इवन मेरा जो सारा सामान है ना, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे प्लेट्स, प्लेट को जो हम थाली सजाते हैं बजाते हैं ना, वो सब यार मेरी सिस्टर कर देती है। उस काम को भी करने में मैं इतना टाइम लगा दिया, जो मेरा एक काम था मुझे रेडी होना था अच्छे से, वो भी मैंने इतना गंदा कर लिया। फिर सागर तो गुस्सा कर रहा था। मैंने चश्मा हटा दिया, थोड़ा टेढ़ा लग रहा था। तूने बहुत गलत किया, तुझे पहले से प्रिपरेशन रखनी चाहिए थी। वो ना मुझे डेली बोलता था यार तू साड़ी को एक बार पहन ले, अगर तेरे को नहीं समझ में आ रही है तू रिटर्न कर दे, तू कुछ और ले ले। या तू, अब वो कह रहा आज तू कैसे परचेस करेगी, और वो नहीं चाहता यार मैं कोई भी चीज़ रिपीट करूँ। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है यार, मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ। मतलब यार इतने महंगे महंगे कपड़े मैं लेती हूँ, उसको मैं एक बार पहन के छोड़ दूँ क्या? मतलब ऐसा नहीं होता यार, कभी कभी पहन भी लेते हैं मतलब, है ना? तो आई एम ओके विद इट, बट बस मैं अपसेट ही हो गई थी कि अब मैं क्या पहनूं, क्योंकि कोई भी चीज़ निकालूंगी तो यार, वैसे तो मैं सब कुछ अपना यार ड्राई क्लीन करवा के रखती हूँ, अपने जितने भी मेरे डिज़ाइनर सूट्स हैं, बट स्टिल यार एक वो था ना मैं क्या पहनूं अब, मुझे एक वाओ, मतलब मैं अपसेट हो गई थी कम्प्लीटली यार। बट अभी मैं बहुत 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 खुश हूँ, उसका एक रीज़न है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
एंड दैट्स द रीजन गाइज, ये जो है ना मेरी जो ये ड्रेस है, ये मेरी एंगेजमेंट की ड्रेस है जब मेरी सगाई हुई थी. यू वॉन्ट बिलीव इट, ये मुझे कंप्लीटली फिट आ गई यार. आई एम सो 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 हैप्पी. और मतलब मेरा तो मेरा करवा चौथ बन गया है ऑलरेडी. अगर ये मुझे आ गई है दैट मीन्स मेरा वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी इंचेस लॉस का तो लगता था कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे ठीक चल रही हूँ. बट अगर मेरा वेट लॉस नहीं हुआ होता ना गाइज, मैं ये नहीं पहन पाती, क्योंकि मैं लास्ट ईयर से ट्राई कर, ऐसे ही मैंने जस्ट सोचा है ट्राई करके देखती हूँ. और इसमें भी यार मेरा ये मेरा ड्राई क्लीन करवा के ही इसको रखा था, तो मुझे इशू नहीं था कि मैं इसको पहन नहीं सकती. तो फिर मैंने इसे पहन लिया. और आज मैं जब मैं जाऊँगी ना, आज हमारा ना एक्चुअली हम लोगों ने क्या करा है, डिसाइड किया है कि मेरी सिस्टर, मैं और उसकी जो नेबर है ना, वो भी मेरी दीदी जैसी है, वो डेंटिस्ट है, उनका नाम सुचेता है, तो और वो नोएडा में ही वर्किंग करती है. और अगर किसी को भी अपने टीथ वीत दांतों को अच्छा कराना हो ना, तो आप उनके पास जा सकते हैं. बट अब मैं इसके साथ कोई मुझे हैवी मेकअप लुक करने की नीड नहीं है. आप देख भी सकते हैं यार, कुछ डिफरेंट है ये. मैंने एज सच किसी को दोबारा पहने हुए नहीं देखा. और ये जो मैं इंस्पायर हुई थी ना इस लुक से, वो है, वो भी मेरी बहुत फेवरेट है यार. मैंने एक रैंप वॉक में ना करीना कपूर को यार ये एज सच कुछ वेयर करके वॉक करते हुए देखा था, तो उससे कुछ करते हुए मैंने इसको डिज़ाइन करवाया था और तब मुझे ये मिला. फाइनल मेरा ये लुक था. और अब मुझे ज़्यादा मेकअप करने की नीड भी नहीं है. और मैं देखना, मैं सुंदर प्रिटी लगने वाली हूँ. और जब हम लोग पूजा करने जाएंगे, वैसे यार जब मैं दिल्ली में थी ना, तो हम लोग 50+ लेडीज़ होती थी, मतलब 55 कह लो आप. और उसमें जो बहुत ओल्ड लेडीज़ होती थी ना यार, वो हमें कहानियाँ सुनाती थी. वो इतना अच्छा लगता था ना, वो वाला पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मिस करती थी दिल्ली को. और वहाँ पर मेरी एक रेनू दीदी हैं, उनको, क्योंकि मेरा सारा काम यार वो ही करती है यार, मैं कुछ नहीं करती. बस वो कहती है बेटा तू जाके रेडी होके आ जा, अपना बेस्ट कर, खुश रह, बाकी सब मैं करूँगी. इवन खाना वाना भी, कोई वो ना दाल बाटी से अपना फास्ट खोलती थी, वो मुझे खिला के कहती थी अब तुम लोग घूमने चले जाओ. तो मतलब शी इज़ लाइक मतलब सिस्टर कम मदर टू मी. मतलब वो मेरे लिए बहुत बहुत अजीज़ जो नहीं होते हैं, अजीज़ है यार वो मेरी लाइफ में ना. और मेरी सिस्टर तो है ही, मेरी सिस्टर भी बहुत प्यारी है. प्यारी तो नहीं है, वो थोड़ा मारती है हमें भाई. नहीं मारती भी नहीं है, मतलब डांटती है यार वो थोड़ा ना. बट वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है. और मतलब वो भी मुझे बहुत प्यार करती है यार, ऐसी बात नहीं. देखो स्टिल अगर मैं ऐसे सच कोई बात करती हूँ ना, तो मेरी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं यार, पता नहीं वाई, आई डोंट नो दैट. बट आप देख सकते हैं, मैं कभी भी ऐसे सच कोई इमोशनल थोड़ा सा टच देती हूँ ना, तो मुझे आंसू आ जाते हैं यार, आई डोंट नो वाई. हाँ बट मेरी बहन भी बहुत अच्छी है यार, मेरा भाई भी बहुत अच्छा है. मतलब आई एम ब्लेस्ड यार, कि मतलब मैं अपनी, मेरी जो सराउंडिंग है ना, वो मोस्ट ऑफ दी पॉजिटिव पीपल के साथ है. क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव पीपल्स भी थे या हैं भी, तो मैं उनसे ना एक दायरा रखती हूँ यार, मतलब एक मेंटेन रखना पसंद करती हूँ. क्योंकि आई एम फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ पॉजिटिविटी काइंड ऑफ गर्ल या लेडी, तो मुझे ऐसे टाइप के लोग पसंद हैं और मुझे ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं. तो यार मैं नेहा के साथ 2 साल से पता कैसे फास्ट करती थी, हम लोग दो ही लोग होते थे, हम लोग थाली फेराते थे यार, और बस वो मुझे देती थी, मैं उसे देती थी, हम हंसते थे यार बहुत ज़्यादा. बट इस टाइम मेरी सिस्टर ने भी डिसाइड किया है कि वो, मतलब हम लोग नीचे जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ होंगी, हम उनके साथ बैठ के और फिर हम अपना फास्ट का जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे थाली फेराना, कहानी सुनना, और वहाँ पे ना गेम्स भी खिलाते हैं गाइस, तो वो सब खेलेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा टाइम का. और अब तो भाई मैं कह रही हूँ, मुझसे अच्छी ड्रेस कोई पहन के आ ही नहीं सकता, बेस्ट में से बेस्ट. तो यार अभी मैं बहुत हैप्पी हो गई हूँ, मेरा पूरा ना पूरा का पूरा मतलब जो एनर्जी थी ना वो ड्रेन हो गई थी थोड़ी देर के लिए, जब सागर ने मुझे ऐसे डांटा. डांटता तो नहीं है खैर, मतलब उसको फील हो गया कि यार अब ये क्या पहनेगी, अब इसने ऑप्शन ही अपने ख़त्म कर दिए तो ये क्या पहनेगी, उसको ये बहुत फील हो रहा था.
और वो सच में यार इस चीज यार मतलब आई एम कम मैं फिंगर क्रॉस रखती हूँ इस मामले में गाइज, सीरियसली आई एम ब्लेस्ड यार। मतलब मैं कुछ भी बोल दूँ वैसे उसको, बट ये आज का दिन आई थिंक ये उसी के लिए है। और ये फास्टिंग भी मैंने, फास्ट मैं कभी नहीं करती ना, मैं सच किसी चीज़ में बिलीव करती हूँ, बट ये मैं किसी के, वो कहता भी है कई बार तू फास्ट क्यों रखती है, तू तो इतनी मॉडर्न है, तू इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती ना, तू भगवान में बिलीव करती है, बट यार ये मेरा ना मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये करना ऐसे, क्योंकि एक दिन होता है मैं उसके लिए रेडी होती हूँ जैसे वो चाहता है, और उसको ना एक, उसको बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने उसके लिए फास्ट रखा है, और ये मुझे पता है। तो मेरी लाइफ में तो यार मतलब कहते हैं ना मम्मी पापा भाई बहन, मेरा खुद का बच्चा जो है वो सागर ही है यार, मतलब मेरी लाइफ में इसके, मेरी लाइफ उसके बाद ख़त्म है, मतलब इट्स काइंड ऑफ दैट। तो इसलिए मैं ये फास्ट रखती हूँ। और एक टाइम था, ये मैं एक छोटा सा आपसे अपना इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, हो सकता है मैं थोड़ी इमोशनल भी हो जाऊँ, बट स्टिल ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ तो ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ, और जो मेरे दिल में है या जो मेरा दिमाग में या मेरे इमोशंस है मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो एक टाइम था यार, वी वर डेटिंग ईच अदर दैट टाइम, तो इसको ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मेरी एक फ्रेंड है और उसने बोला, देख निशा जिस तरह की तू लड़की है ना, जो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती है, बट मेरे कहने से मंत्रास में ना बहुत ताकत होती है, तो तू ना महामृत्युंजय जाप किया कर सागर के लिए। तो आई सेड ओके यार, नो इशू। तो एक दो बार मुझे याद करने में थोड़ा टाइम लगा, और एक आंटी थी मतलब जो मतलब वो हीलर कह सकते हो, उन्हें टैरो कार्ड रीडर कह सकते हो, उन्होंने भी मुझे ये सेम सजेशन दिया। वो दिन है यार और आज का दिन है, मैं सोने से पहले वो जाप ज़रूर करती हूँ, मैं कभी वो मिस ही नहीं कर पाती, अगर वो मैं नहीं करूँगी ना तो मुझे नींद नहीं आती। तो ये मेरा एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता था, और मुझे लगता है आई थिंक सबको ही पता चल जाएगा। तो ये मेरा इमोशंस है यार, ये मेरा फेथ है यूनिवर्स पे कि ये चीज़ मैं कर रही हूँ, तो मतलब ये उसके लिए अच्छा है यार, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो अच्छा रहे, इससे ज़्यादा मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। और तोड़ तो देखो यार हमें कोई सकता नहीं है, अब एक कहते हैं डेस्टिनी का मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, खुदा क्या मेरे लिए लिख के बैठा है, आई डोंट नो दैट, बट अगर मैं इस जो हम लोग जी रहे हैं अभी इस दुनिया में उसकी बात करूं, तो लोग तो कोई मेरे को और सागर को नहीं तोड़ सकते। तो जो लोग अगर ऐसा सोचते हैं या किसी को प्रॉब्लम भी है हम लोगों से, तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे दिल में जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए भी उतना ही फॉरगिवनेस है और उतना ही प्यार है। तो बाकी मुझे ऐसे इमोशनल नहीं होना है अभी ना, फिर हाँ फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, फिर मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा ठीक हो रहा है मैं, हाँ। ये मेरी ना तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी बात इसलिए ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं ना कहीं ना यार बहुत मेरे इमोशंस बहुत जाग जाते हैं यार। और मैं अपनी लाइफ में यार एक ऐसी बच्ची रही हूँ जो बड़ी पैम्पर्ड रही है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, मुझे सब ने ही बहुत प्यार दिया है, और आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल टू दी गॉड एंड यूनिवर्स कि मुझे ये लाइफ आपने दी। और मैं सिर्फ कर्मा पे बिलीव करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती। और यार अब इतना ज़्यादा ना ये फालतू की बातें जो एंड हो गई हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो फिलहाल की अपडेट यही है, मैंने ड्रेस डिसाइड कर ली है, और मैं सागर को ना अब नहीं बताने वाली कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, उसको मुझसे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा कि निशा आज क्या पहनेगी। तो लेट्स सी उसका क्या एक्सप्रेशंस रहते हैं। अभी अपने बाल धुलवा लिए हैं और अभी मैं बहुत आई एम इन रश,
क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, 4 बजने वाले हैं और मुझे 4 बजे बोला था कि रेडी होके आ जाना। इवन मैंने अपनी वो ड्रेस भी नहीं पहनी जो मुझे पहननी थी, तो आई मीन कम्प्लीटली बेसमेंट में हूँ अपनी सोसाइटी के, और फिर मैं ऊपर पहुँचूंगी। और ये सागर भी आ गया है, वैसे तो सागर में साथ ही गया था। यार मैं थाली लेने गई थी यार, वो इतनी महंगी महंगी दे रहे हैं यार, 450-500 रुपये की, बताओ 450 रुपये की कोई मैंगो आती है? ऐसे पेड़ पे लग रहे हैं क्या? प्यारी समझ गई। ये ले, तूने कुछ सामान मंगाए थे? क्यों लेकर आया? सामान मंगाया था, तूने खोल के तो देख ले पहले। बता तू इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है सागर? मैं तो को मना किया था, पागल है क्या? अरे देख तो ले क्या है। मुझे पता है ना क्या है, ये सब पैसे वेस्ट कर रहे हो आप लोग, और कोई बात नहीं है इसमें, समझ रहे हैं आप? खुलता कैसे है यहाँ से? ओ ये क्या लेके आया था? इसमें मोर का पंख बना हुआ है। पहले तो तू ये बता कि इसकी क्या नीड थी। गाइज ये मैं ना चेंज करके दूसरा लेके आई हूँ, और इसकी वीडियो मैं साइड में आपके लिए लगा दूंगी, जस्ट फॉर द रेफरेंस कि मैंने क्या लिया। थैंक यू। दिस इज बिजनेस। लेट हो गई हूँ। पानी गिरेगा ऊपर, पकड़। वैसे भी गिरेगा निशा पानी। चलो मैं बाद में बनाऊंगी फिर वीडियो। पानी के हाथ बची कुछ रोटी भी देती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गए। करवा चौथ का व्रत आया, सारी पड़ोसनों ने कहा भरकर करवा चौथ का व्रत रखा। एक पड़ोसन समझे बोली चौथ माता ने पिता का धन को पुत्र देते निर्धन को माया सूर श्याम शरण। अनीशा ऊपर नीचे हो रहा है कैमरा, बाद में मत बोलियो मेरे को, मतलब खराब कर रहा है ऊपर नीचे हो रहा पूरा कैमरा। बंद कर दूँ? हाँ हाँ 19 नंबर। मैडम मैडम इधर आओ, शर्म आती है ना आरती उतारते हुए। फील प्राउड। फाइनली मैंने सब कुछ चेंज कर लिया है, क्योंकि यार मैं बहुत बहुत हैवी है यार वो मेरा आउटफिट ना, और अब मैं अपने घर निकल रही हूँ, क्योंकि मैं नेहा के यहाँ पे अपने सिस्टर के यहाँ पे ही थी, तो उसने खाना बना लिया था, और हमने प्लान ये किया था कि जो भी खाना खाएंगे बिल्कुल हम लोग लाइट फूड रखेंगे आज, क्योंकि यार इतने पूरे दिन से हम लोग बिना कुछ खाए रहते हैं तो फिर ख़राब होने के चांसेस, मतलब एसिडिटी ये सब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और सागर के साथ तो ज़्यादा ही हो जाता है, और नेहा का गॉल ब्लैडर नहीं है मेरी बहन का, इसलिए भी। तो अब मैं खाना खा चुकी हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ना एक प्रॉपर उन्होंने मेला टाइप का लगाया है, और उन्होंने इनवाइट भी कर रखा है कि मतलब आना ही है। एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको। एडी गाइज, आई होप आप सब लोगों का करवा चौथ अच्छा रहा होगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये देखो यार, ये टिक्कियाँ भी रूठी रूठी सी, भुजी भुजी सी हो रही हैं। बाय बाय, टेक केयर।